मेरी शादी गाइस से होप छोड़ दूं क्या गोल्डी भाई, क्या करूं इतना दुख। यहां पर नियो बैट मत मिनट कर रहे हैं, टू फोर के चलते रैप करते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। टॉप डॉग मुश्किलें बढ़ाते हुए गॉड लाइक के लिए, बट ये 4v4 की फाइट है, अलग ही मोड पर जा चुकी है जहां पर रिवाइवल ना पहुंचते हुए नियो ट्रेन के वॉचिंग कर दो गाइस। अभी ना मैं बता रहा हूँ आज से, अब देखो बुट कैंप के काम हो गए, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हो चुके, अब मैं एकदम चैनल पे फोकस कर सकता हूँ। हर रोज 10 बजे लाइव आऊँगा, अगर मैं लाइव नहीं आऊँगा तो मैं कम्युनिटी पोस्ट डालूँगा और इंस्टा पे स्टोरी भी डालूँगा, ठीक है। तो आज से ये चीज़ तुम फॉलो करना, बस आज के बाद कोई एक्सक्यूज़ नहीं। अब तुम्हारा भाई अच्छी टीम ले ली, अच्छा बुट कैंप सारी चीज़ें हो चुके हैं, नाउ 10 AM बुम्बा। क्रॉन्टन की शादी क्या कब है, शादी है अनाउंसमेंट, मतलब मेरी शादी गाइस हो जाएगी, डोंट वरी, थोड़ा टाइम है बट हो जाएगी। उसे होप छोड़ दूं क्या गोल्डी भाई, क्या करूं इतना दुख भाई। अब मैं क्या बोलूं शशांक भाई, इसमें आप छोड़ सकते हो, होप छोड़ना चाहो तो, ये आपका अपना ओपिनियन है, आप छोड़ सकते हो बिल्कुल, और पूछने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए। जब आपको ऐसा ख्याल आ गया कि आपको होप छोड़ देनी चाहिए तो आप छोड़ ही दो ना, और इतना दुखी मत होइए भाई। शशांक भाई 16 अगर ट्रॉफी जीतेगी या पैसा जीतेगी, प्राइज मनी जीतेगी, उसका कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला, इतना दुखी मत होइए। ऐसा लग रहा है कि आप सैलरी भर रहे हो और आपका नुकसान हो रहा है, इतना दुख आपका हो गया। तो इतना दुखी मत होइए ना, वो प्राइज मनी से आपको कुछ देंगे। इतना बड़ा मैप, अगर प्लेन पाथ गलत आता है, स्ट्रगल बहुत सारा करना पड़ता है, एंड प्लेन पाथ आया है लॉस लियोंस के ऊपर से शुरू होता हुआ, कैंप मिलिटार की तरफ खत्म हुआ होता हुआ नॉर्थ ईस्टर्न सर्कल ये नजर आएगा, एंड आराम से अपने ड्रॉप तक जाएंगे। जो बची कुची लूट ही ने अब करनी है वो ये अपने ड्रॉप चुमा सेरा से काफी इजीली कर सकते हैं, ऑन टू द अदर साइड अगर आप देखें यहां पर गॉड लाइक की लूट, तो गॉड लेवल ये टीम है, गॉड लेवल इनका ड्रॉप है और उतनी ही बढ़िया इन्हें लूट भी मिलती है इस एरिया पर। देखिए क्रैकी ज्यादा प्लेयर्स नहीं है इस मैच के अंदर, मीरामार का मैप थोड़ा सा स्लो कंपैरेटिवली वैसे ही माना जाता है, किलोमीटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखेंगे तो ये 52 प्लेयर्स है हमारे पास, और बहुत ज्यादा अर्ली फाइट्स में आप यू नो इन्वॉल्व होते हुए टीम्स को नहीं भी देख पाओगे। गॉड लाइक की टीम जल्दी जल्दी यहां पर फाइट्स की कोशिश में आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज बहुत अच्छा स्पॉट इनके पास भी नहीं है, बट अगर इनकी फाइट्स अच्छी जाती हैं तो 7C की तरह ये भी एक अच्छे स्पॉट पर बढ़ती हुई आपको मिल सकती है। और एक और चीज बीच में आ जाती है कि जब ये फाइट लेंगे तो ये डाउन किसको करते हैं, क्या ऑरेंज रॉक, एक्सो और साथ में स्काईलाइट्स गेमिंग, इनमें से किसी का काम यहाँ पर बिगाड़ पाती है ये टीम्स, वो इन मैचेस को और भी ज्यादा यू नो इंटरेस्टिंग बना देगा, कि जो टीम्स नीचे अभी के लिए जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है वो फाइट्स किन के अगेंस्ट ले रही है। जोनाथन यहाँ पर अभी के लिए राइट साइड की पीक करते हैं, ये एक बेहतर डिसीजन रहता है बिकॉज आप अपनी बॉडी ओपन में एक्सपोज नहीं करते, और ये 1v2 करना शायद जोनाथन के लिए इतना मुश्किल होगा नहीं, बिल्कुल यहाँ पर ईजी था, रेड ने बावजूद उसके हील कर लिया था, उसके बाद यहां पर जोनाथन ने उन्हें डाउन कर दिया। अब नीचे F1LS के बाकी खिलाड़ी हैं जिन्हें शायद यू नो डिसएंगेज करते हुए जोनाथन ने स्पॉट कर लिया, उन पर भी डैमेज देने की कोशिश करी थी, बट उन्होंने एक बार फिर से कल वाली स्ट्रेटजी कंपाउंड पर बुला लिया। अब आपको पॉइंट्स चाहिए, आगे की फाइट कंटिन्यू करनी है तो हायर ग्राउंड को छोड़ दीजिए और हमारे कंपाउंड पर स्लैमिंग डाल दीजिए, वहां पर एक क्लच का मौका टीम F1LS के पास बन सकता है, अब खत्म कर देगी बिल्कुल। बट 15 टीम्स का जो ये सफर है ये काफी स्लो जाने वाला है, एंड गॉड लाइक की प्लेयर्स को ब्लाइंड ने स्पॉट कर लिया है ऑन टूवर्ड्स द मेन बिल्डिंग्स ऑफ हसियांदा, एंड अगर अब यहाँ पे अगर उनको फाइट लेनी है तो गॉड लाइक को अप्रोच करना पड़ेगा, बट ब्लाइंड के साइको शूट करके अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज करा दिया है, और अब दूसरी तरफ से भी कुछ बुलेट्स आएंगी, बट देखिए साइको अब इस सिचुएशन में ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। एक हाइलाइट्स वर्सेस रेवेनेंट की अब दोस्त दुश्मन में तब्दील होते हुए आपको मिलेंगे, स्मोक के अंदर डैमेज देने का प्रयास यहां पर किया जाने वाला है, और अगर आप बात करें गॉड लाइक की तो दिस टीम इज ऑन अ डिफरेंट स्केल, बैक टू बैक ग्रेनेड स्पैम किया जाने वाला है, सामने कौन मिलेगा टीममेट पेट, द थर्ड पार्टी किलर्स विल बी फेसिंग अ 4v4 हेड टू हेड फाइट, एंड दैट रेट फ्रॉम जोनाथन वीरो को डाउन कर दिया जाता है, सामने 8 मिनट अक्षर आपको मिलेंगे, बट उस स्मोक के बीच में से ओमेगा कभी भी बाहर निकलकर प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, आगे सोच समझ के जाना पड़ेगा, बट नियो काफी समझदार है, इस बार गलत मूव नहीं जाएगा, काउंटर फ्लैंक डाला जा रहा है, जोनाथन यहां पर एक अलग दिशा में जाएंगे, बट नियो इज सो स्मार्ट फॉर दैट, उन्होंने पहले ही एरिया क्लियर
कर दिया डाउन टू वन मैन, अक्षत बीइंग द लास्ट एंड देयर यू गो। बहुत समझदारी के साथ, काफी क्लियर स्ट्रेटजी के साथ, बिना कोई प्लेयर नॉक हुए, बिना कुछ खास डैमेज दिए, टीम गॉड लाइक की टीम ने 8 बिट को डाउन कर दिया। मैडम ऑफ करके थोड़ी बहुत पोजीशन दे चुके हैं, बट कहीं ना कहीं इस चीज से उनको एडवांटेज भी मिलेगा। जो अर्ली फाइट्स होने वाली है इस सर्कल के चलने से पहले, उनमें उनको फाइट लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्मोक उनको उस चीज से थोड़ा सा दूर रखेगा, बट टीम TXR के रॉक्स still managing somehow to come in the circle and अपनी टीम को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट देखिए क्लच गॉड क्या नेड, देखिए कोशिश कर रहे हैं, जानते हैं कि ब्लाइंड के प्लेयर्स शेल्टर के आसपास हैं, शेल्टर में अपने लिए जगह बना करके बैठे हैं, स्मोक करके ग्रेनेड स्पैम करने की कोशिश, बट थोड़ा सा दूर ज्यादा है, थोड़े से दूर ज्यादा है। अगर थोड़ा सा भी करीब होते तो कहीं ना कहीं ब्लाइंड के एक आधे प्लेयर को डाउन कर सकते हैं। बट अब आखिरी पांच टीम्स का बैटल आता है रेवेनेंट की तरफ से, ब्लाइंड विल लैंड द फाइनल ब्लो। ये मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आई थी GXR के रॉक्स के लिए, बिकॉज एक नहीं दो दो साइड से उन्हें डैमेज मिल रहा था। बट अब आर्टेमिस अब जब से इस टीम में आए हैं बैलेंस बड़ा जबरदस्त देकर गए हैं, और कहीं ना कहीं यहां पर गॉड लाइक की टीम के लिए भी मुझे थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही, बिकॉज टॉप फ्रैकर जोनाथन अभी के लिए नॉकडाउन है। क्लच गॉड को यहां से नॉक बिल्कुल नहीं लेना, बिकॉज उससे पहले जोनाथन को रिवाइवल देना एक ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क रहने वाला है। नौ फिनिशेस का ये मैच काफी बड़ा होता हुआ देखने को मिल सकता है, बट टॉप डॉग एक बार फिर से यहां पर थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ाते हुए टीम गॉड लाइक के लिए, साथ ही साथ उन्होंने एक मोलोटॉप भी कर दिया है नॉट ओनली फॉर गॉड लाइक। मुझे यहां पर एवरेज स्पोर्ट्स की टीम बहुतों के लिए दिक्कत बढ़ा देगा। मोटो बैटमैन एक बार फिर से बैट बाय रेडियस खोल के फरारी पीके चलते यहां पर प्लेयर्स को नॉक करते जा रहे हैं। गॉड लाइक की टीम से सिर्फ एक ही खिलाड़ी बचा हुआ, नीचे वहां पर रिवाइवल मिल रहा है, टॉप डॉग अभी के लिए यहां पर स्मोक करेंगे, टुगेदर विजन ब्लॉक डन, बट शॉट यहां पर नियो बैटमैन ने स्पैम कर रहे हैं F2 के चलते रैप करते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। टॉप डॉग मुश्किलें बढ़ाते हुए गॉड लाइक के लिए, बट ये 4v4 की फाइट है, अलग ही मोड पर जा चुकी है, जहां पर रिवाइवल ना पहुंचते हुए नियो क्रश करना चाह रहे हैं, स्पॉट किया, हिपर किया, 200 ज्यादा प्लेयर्स वहां पर डॉट डॉट एचपी पर बचे हुए, बट रेडियस खोलेंगे एक नॉक करेंगे, क्या आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी डाउन होता है? Yes, it does. Neo, you beauty. जो प्रॉब्लम्स में फेस कर रही थी टीम गॉड लाइक, एक बारी के लिए तीन प्लेस डाउन थे, वो अब सिर्फ एक ही कैजुअलिटी अफोर्ड करती है और 13 फिनिश पॉइंट्स अपने बैग में ले जाती है। Not just that, आखिरी फाइनल ब्लो क्लच गॉड के उस नेट से हमको देखने को मिला है, एंड गॉड लाइक इज नाउ ऑन अ मूव। आखिरी की तीन टीमें हमारे पास बचती है, 3v2v2 का सिचुएशन, सात खिलाड़ी, अगला सर्कल अगले 40 सेकंड में शुरू होता है, एंड सर्कल का एडवांटेज देखिए टीम ब्लाइंड के पास आया। कल भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो था, कल भी सर्कल में एडवांटेज था टीम ब्लाइंड के पास, बट क्या इस गेम को चिकन ले जा पाएंगे? कंसिस्टेंसी के साथ टॉप थ्री में तीन टीमों ने जगह जरूर बना लिया, बट अगला सर्कल टीम गॉड लाइक से काफी दूर, एंड ओपन का यह सर्कल है, लिमिटेड कवर है, स्मोक्स के यहाँ पे पूरी पूरी कोशिश करी जा रही है विजन ब्लॉक करने की, एंड उसी के साथ साथ सर्कल में एंटर करने का भी कोशिश रहेगा प्लेयर्स की तरफ से। बट ब्लाइंड ये चीज जानती है कि ऊपर से अभी फाइट्स की आवाज थी, अब प्लेयर्स आएंगे, एंड अब वो अपने लिए हाथ में ग्रेनेड को करने वाले, और वो ग्रेनेड क्या यहाँ पे एक डेडली एंड साबित हो सकता है टीम गॉडलाइक के लिए, देखने वाली बात रहेगी। यार काफी देर से ब्लाइंड की टीम यहां पर होल्ड ऑन कर रही है, अब गॉडलाइक की टीम ने वहां पर स्पॉट जरूर से कर दिया, मोलोटॉव्स किए जा रहे हैं, ट्रेन में नॉक निकलता है, जोनाथन यहां पर अभी के लिए एक नॉक जरूर से निकाल देते हैं। जैसे ही जोन के बाहर से ओपन से आने वाले होंगे FNLs के प्लेयर्स, देन आई थिंक दोनों गॉडलाइक और ब्लाइंड के प्लेयर्स मौका बनाना चाहेंगे, नेट के चलते स्मोकी को डाउन कर दिया जाता है, जोनाथन अग्रेसिव स्टांस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो दो प्लेयर्स वहां पर दिक्कत में है उनकी दिक्कतें थोड़ी सी और बढ़ा देना चाह रहे हैं, स्टंट ग्रेनेड किया जाता है वहां पर जोनाथन की तरफ से, और यहां से इस ट्रैप से निकल कर जाना FNLs के लिए मुझे आसान नहीं लग रहा, बट कहीं ना कहीं ब्लाइंड की टीम मुझे अभी भी लगता है थोड़ा सा एंजॉय कर सकती है इस मैच को, और बिकॉज़ जोन का फेवर उनके पास है, रिवाइवल यहां पर एक बार फिर से मिल चुका है, छोटा सा पिक्सेल विजिबल हुआ था और उसमें बड़े ही तैनात पड़े ही शार्प यहां पर टीम गॉड लाइक के खिलाड़ी, बट इंस्टेंट पनिशमेंट फ्रॉम आर्टेमिस कि हम ऐसी पीक ले सकते हैं बिकॉज़ वी कैन एक्चुअली गेट यू डाउन। उधर से एक्सपेन आर्टेमिस को डाउन कर जाती है, डाउन टू टू मैन, क्लच गॉड और जोनाथन यहां पर बच जाएंगे, सामने ब्लाइंड विलियम्स और एक्सपेन बचे हुए, एक लेजेंड 2v2 की फाइट रहने वाली है, विलियम्स अग्रेस करते हुए आगे जा रही है, एक ग्रेनेड चीजें बदल सकता है, बट ओपन में जाना विलियम्स के फेवर में गया नहीं, एक्समैन बी इन द लास्ट मैच रनिंग, सामने वहां पर आपको जोनाथन मिलेंगे 1v1 की फाइट, जोनाथन वर्सेस ब्लाइंड एक्समैन, विल ही बी एबल टू गेट हिम डाउन? ये आसान नहीं रहने वाला बिकॉज़ जोनाथन ही फायर में बहुत ज्यादा तेज है, बॉल यहां पर करके डैमेज देने की कोशिश करेंगे, तो रिशान से मोलोटॉव्स आ रही है, दीस गाइस आर ऑन फायर बिकॉज़ मोलोटॉव्स यहां पर कभी भी कनेक्शन ढूंढ सकती है, एंड जोनाथन एट द लास्ट लैप, टीम गॉड लाइक कमिंग अप विद अ चिकन डिनर, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज व्हाट यू कॉल अ कमबैक इज। I mean, जी हाँ, गॉड लाइक गेटिंग द चिकन इन द सेकंड गेम, एंड एक बात
वो उन्होंने पैन फेंकने की कोशिश करी थी जोनाथन ने लास्ट में, अगर इमेजिन वो पैन लग जाता कितना अमेजिंग मूव हो सकता था, बट उसी चीज के चलते आई मीन कोशिश अच्छी थी एंड गॉड लाइक जानती थी कि ये चिकन उनके पास है, इस सिचुएशन को नहीं देना चाहते थे एंड जोनाथन लैंडेड द फाइनल ब्लो वेरी नाइसली। दूसरा गेम मिरामार इन द हैंड्स ऑफ टीम गॉड लाइक एंड नाउ अगर हम बात करें बारी आने वाली है कुछ ही समय बाद आज के तीसरे गेम की ओवरऑल स्टैंडिंग्स की तरफ की क्या ने वाला है पिछले मैच का रिजल्ट्स, none other than godlike on top and look at the difference crikey, डबल से सिर्फ एक पॉइंट कम है, 16 फिनिश पॉइंट्स, 15 प्लेसमेंट पॉइंट्स, टोटल 31 टोटल पॉइंट्स एंड आई थिंक जितने गैलेक्सी रेसर्स के पास टोटल पॉइंट्स है उतने टीम गॉडलाइक के पास फिनिशेस है।